दोस्तों आपका स्वागत है आल एजुकेशन में। यहाँ पे डेली जॉब डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट रिलेटेड वीडियो अपलोड होता रहता है, इसलिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए कि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो कि आपका अप्रेंटिसशिप आया है 2020 में, तो क्या उसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा, क्या रूम भी मिलेगा, क्या खाना भी आपको मिलेगा। तो इसी टॉपिक को हम आज इस वीडियो में आपका सभी डाउट और सवाल क्लियर करेंगे। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि जो आपका सैलरी का कन्फ्यूजन है, सैलरी आपको हम बता दें कि आपका कहीं भी नोटिफिकेशन में दिया नहीं है कि आपको इतना दिया जाए, लेकिन आपका 1942 के अकॉर्डिंग रूल दिया गया है कि आपको अप्रेंटिस मिलता है उतना आपको सैलरी दिया जाएगा। तो आपका वही सैलरी होता है आपका 7,000 से लेकर 3 साल का है, तो आपको हर साल 5,500 बढ़ेगा, तो आपका लास्ट 9,000 तक जाएगा। तो आपका 7,000 से लेकर 9,000 के बीच में आपका रहेगा, यही आपका स्टाइपेंड रहेगा पर मंथ का। और सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है, बहुत रिक्वेस्ट है कि क्या हमको रूम में मिलेगा, खाना भी मिलेगा। तो आपको हम बता दें जो रूम की आपकी जो बात है, तो आपको किसी भी अप्रेंटिसशिप में लगभग रूम नहीं दिया जाता है। जो आपको पैसा दिया जाता है ओनली वही दिया जाता है, ना ही आपको कुछ मेडिकल का कुछ भी आपको नहीं दिया जाता है। आपके पास जो मिला है उसी में आपको सभी खर्चा करना है। और सेकेंड नंबर आपको खाना भी नहीं दिया जाता है, ना ही कुछ कैंटीन उन्टीन का व्यवस्था रहता है, सब आपको बाहर से लेकर रूम लेकर सब कुछ आपको रहना पड़ता है। तो आपको जो पैसा दिया जाता है उसी में आपको मैनेज किया जाता है 3 साल तक। आप वही आपको पैसा दिया जाता है उसी में आपको 3 साल मैनेज करना है। उसी के चलते बहुत से लड़कों को कन्फ्यूजन होता है कि 3 साल हम समय क्यों बर्बाद करें अप्रेंटिसशिप में। तो अप्रेंटिसशिप में बहुत से लड़कों को क्वेश्चन भी आया कि सर फ़ायदा क्या होता है। तो फ़ायदा यही होता है कि भविष्य में कभी भी आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपका वैकेंसी आता है, तो अगर आपने 3 साल अप्रेंटिस किया है तो वहाँ पर आपका 15 से 20% का आपको छूट मिलेगा। तो समझिए कि सबसे पहले आपका सिलेक्शन होने का चांस है अगर आपने 3 साल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिस किया है तो, और अदर में आपको नहीं कुछ मिलता है छूट। तो बहुत से लड़कों को ये भी कमेंट आया था कि फ़ायदा क्या है, फ़ायदा यही है आपको कुछ छूट मिलेगा। आप रेलवे से अगर अप्रेंटिस करते हैं तो उसमें भी, अगर रेलवे में जैसे ग्रुप डी एनटीपीसी का आता है तो उसमें आपको 10% 15% का छूट उसमें भी मिलता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, छूट मिलता है, लेकिन यही है कि आपको 3 साल का अप्रेंटिस दे दिया गया है, तो यही थोड़ा लंबा ड्यूरेशन है। तो चलिए इसे कोई बात नहीं हुआ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।